मथुरा से है। राम रावण ने किया ऐतिहासिक रक्तदान। श्री रामलीला कमेटी राया एवं रक्तदान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वधान में आगरा मंडल में पहली बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की बारात के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन राया में लीला मंच पर आयोजित किया गया, जिसमें स्वरूप बनकर नगर के लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रामलीला कमेटी के लंकेश स्वरूप में रक्तदान किया। कमेटी अध्यक्ष भूपेश अग्रवाल ने बताया, मंडल में पहली बार एक नई सोच के साथ रक्तदाता फाउंडेशन में एक ऐतिहासिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जो कि एक सराहनीय कार्य है। अध्यक्ष रक्तदाता फाउंडेशन अमित गोयल ने बताया, शिविर में कुल 22 यूनिट प्लान हुआ, जिसमें नगर में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शुभम अग्रवाल एवं संजीव सारस्व ने सभी रक्त वीरों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। ये अच्छा महसूस कर रहा हूँ और ये भी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है किसी भी रामलीला में कि रक्तदान और रक्तदाता फाउंडेशन को बहुत चाहता हूँ इसी प्रकार से आगे अपने आगे मनाते रहें। धन्यवाद। रामलीला कमेटी के तत्वावधान में शिविर और किस तरीके से लोगों का सहयोग आपको मिला है? काफ़ी अच्छा सहयोग लोगों का मिल रहा है और यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा ही सहयोग लोगों का मिलता रहेगा। और आज राम बारात में काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में पहुँचे, कमेटी का भी सार्वजन करें और राय नगरवासियों का सार्वजन करें। श्री रामलीला कमेटी राया रक्तदाता फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में एक ऐतिहासिक रक्तदान शिविर अपने आगरा मंडल के इतिहास में पहली बार श्री राम जी की बारात पर भव्य रक्तदान शिविर और इस रक्तदान शिविर को खास बनाया। कमेटी के अध्यक्ष भूपेश अग्रवाल जी ने स्वयं एक स्वरूप बन करके रक्तदान शिविर में रक्तदान किया है और राया नगर के युवाओं ने जो स्वरूप बनकर के रक्तदान किया निश्चित एक ऐतिहासिक है। इसके लिए कमेटी का बार बार धन्यवाद और राया नगर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। रक्तदाता फाउंडेशन को ऐसी चीज़ें पहली बार देखने को मिली है, क्या कहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? एक सोच रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा प्राप्त हुई कि हमें कुछ नया करना है और इस रक्तदान शिविर को लगा करके अपने मंडल में एक ऐतिहासिक पल और रक्तदाता फाउंडेशन की सोच यही है कि अधिक से अधिक लोग जागरूक हों। हमें एक पल और एक बहाना एक माध्यम हमें चाहिए जो लोग लगातार मथुरा जिले में एक इतिहास पे ऐतिहासिक पल बनाते आ रहे हैं। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।